नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के कार्यक्रम में। मैं हूं अनु शर्मा। तो आइए सबसे पहले रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। दिल्ली में निर्भया केस में चारों आरोपियों को दी गई फांसी के बाद पूरे देश में लोगों ने ली राहत की सांस। इस फैसले में महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अनीता वर्मा ने की खुशी जाहिर। कोरोना वायरस के बचाव को लेकर 22 मार्च को जनता कर्फ्यू को लेकर हमीरपुर की जनता भी आई समर्थन में। हमीरपुर में भी कोरोना वायरस से बचने के लिए जनता ने सहयोग देने की कही बात। हमीरपुर के राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस को लेकर भारतीय जन कल्याण समिति के द्वारा 7 दिवसीय कैंप का किया जा रहा आयोजन। राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज में समाज सेवी प्रकाश चंद के सहयोग से 1,00,000 मास्क सैनिटाइजर किए जाएंगे वितरित। वन मृत बिलासपुर के मुखिया अरुण पाल आरएस पटियाल ने 2 मंडलों की कार्यशाला के आयोजन करते हुए बताया कि विभाग ने अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए 15,00,000 का बजट किया जारी। फायर सेशन में सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थी जंगलों को आग से बचाने के लिए निभाएंगे अहम भूमिका।